नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 के बारे में, जो कि इस टाइम लगा हुआ है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। आज मैं इस वीडियो में आपको छोटी से छोटी डिटेल दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे आपको जाना है, क्या वहाँ की टाइमिंग्स हैं, क्या उसकी टिकट प्राइस है, क्या वीकडे में जाना चाहिए, वीकेंड में जाना चाहिए, क्या टोटल टाइमिंग्स है सुबह से लेकर इवनिंग तक, क्या थीम है, क्या आप वहाँ पे खरीद सकते हो, एवरीथिंग अबाउट दिस IITF। सो गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल है, अपनी फैमिली के साथ जाके आप इस IITF को एंजॉय कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, इस टाइम जो ये फेयर लगा हुआ है वो प्रगति मैदान में लगा हुआ है न्यू दिल्ली में। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से आते हैं तो आप यहाँ पर इसका जो नियरेस्ट मेट्रो से आप इसको रीच कर सकते हैं, जो कि है सुप्रीम कोर्ट या इंद्रप्रस्थ। अगर मैं इसकी डेट्स की बात करूँ तो 14 नवंबर से ये स्टार्ट हुआ था और इसका एंड टाइम 27 नवंबर है, जिसमें 14 से 18 नवंबर ये बिजनेस डेज के लिए था, जिसका टिकट प्राइस 500 रुपीज था, एंड 19 से 27 ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन किया गया, जिसमें वीक डे का प्राइस 80 INR है और वीकेंड का 150 रुपए है। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वीकेंड में जाओ, क्योंकि वीकेंड में काफी ज्यादा जनरल पब्लिक वहां पर आ जाती है। टिकट्स आप चाहो तो IITF की वेबसाइट से भी जाके ऑर्डर कर सकते हो, या आप पेटीएम इनसाइडर से भी बुक कर सकते हो। डे टाइमिंग्स की बात करो तो इसकी जो डे टाइमिंग्स हैं वो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक है, लेकिन ये ध्यान रखना जो लास्ट डेट है 27 नवंबर, उसमें जो इवनिंग टाइमिंग है वो सिर्फ 4:30 PM तक की ही है। सो इस बार की जो थीम है वो वोकल फॉर लोकल है एंड लोकल टू ग्लोबल है। सो यहाँ पर लोकल प्रोडक्ट्स जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, या कोई छोटे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं जो लोकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं या फिर छोटे स्केल पर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको हमें ग्लोबली प्रमोट करना है। सो सबसे पहले जैसे ही टिकट लेके आप लाइन में लगोगे, आपको दो लाइन वहां पर दिखेंगी। एक तो गेट नंबर 4 है, गेट नंबर 4 जो है वो उसका मेन गेट है, वहां पर आपको एक ऑनलाइन की दिखेगी और एक ऑफलाइन टिकट्स की लाइन दिखेगी। तो आपको उसी अपने अकॉर्डिंग टिकट के अकॉर्डिंग वहां पर लगना है। टिकट्स आप, मैंने आपको बताया था, या तो आप पेटीएम इनसाइडर से ले सकते हो या फिर टिकट आपको मेट्रो स्टेशन से भी मिल जाएगी। सो एंट्री करते ही सबसे पहले आपका सिक्योरिटी चेक होगा। सिक्योरिटी चेक में कोई डोंट वरी, आपको कोई दिक्कत करने की बात नहीं है, आप अपना बैग्स ले जा सकते हो, आप अपना घर का बना हुआ खाना भी ले जा सकते हो, यहाँ तक पानी भी ले जा सकते हो। तो एंट्री करते ही सबसे पहले आपको ग्राउंड फ्लोर पर थोड़ा आगे जाते ही आपको देखने को मिल जाएगा वहां पर इंटरनेशनल कंट्रीज का फेयर, जो जिसमें पार्टिसिपेट किया है UAE ने, अफगानिस्तान ने, नेपाल, टर्की, बांग्लादेश, ईरान और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे पहले या तो आप इंटरनेशनल फेयर में जा सकते हो, या फिर फर्स्ट फ्लोर पर आपको इंडिया का फेयर मिल जाएगा, जिसमें इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स मिल जाएंगे आपको। हम गए थे फर्स्ट फ्लोर पर, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज्यादा क्राउड था, ऐसा लग रहा था कि पूरा सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, इंडिया के काफी स्टेट से लोग यहाँ पर आए हुए थे, इवन फॉरनर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टेट्स जो मेनली कंसिडरेशन में इस बार लिया गया है वो है केरला का स्टेट, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि अगर फूड स्टॉल में भी आप जाओगे तो आपको सेपरेट जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के फूड भी आपको टेस्ट करने को मिल जाएंगे। तो इसमें जो स्टेट्स मेन रखे गए हैं वो है राजस्थान, MP, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, चंडीगढ़, UP, केरला ऑफ कोर्स, एंड तमिलनाडु, कर्नाटक एंड जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। तो सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था उसको मैं बोलूंगा वाओ, कि आपको इतनी ज्यादा वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी, प्रोडक्ट्स की वैरायटी जो है वो लोकल प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, हाई टेक प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इतनी भीड़ थी वहां पर, आप मतलब प्रोडक्ट्स देखोगे आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आपको वहां पर ना मिले, मतलब आप वहां पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आपको देखने को मिल जाएगी, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ग्रोसरी आपको देखने को मिल जाएगी, एंटीक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, पेंटिंग्स, वर्ली पेंटिंग्स, मतलब आप जो आपके मन में है वो आप वहां से खरीद सकते हो। मोस्टली लोग, काफी सारे लोग इसमें प्लान करके भी जाते हैं IITF में, कि वो लोग अपने घर को सजाने के लिए, अपने जो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए वहां से लोग सामान परचेज करते हैं, क्योंकि वहां पर जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आते हैं। तो आप अगर आप कोई ऐसा अपने घर को इंटीरियर डेकोरेशन के लिए कोई प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हो तो आप IITF इज मस्ट फॉर यू। इवन वहां पे आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, काफी सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ग्रोसरी है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैसे
इनको बनाते हैं वो आपको डेमो देखने को मिल जाएगा। होममेड प्रोडक्ट्स हैं, वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो एक दिन में इस फेयर को कवर करना ऑलमोस्ट मुश्किल है, क्योंकि शाम तक आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वीकडे में जाओ, वीकेंड में ना ही जाओ। सो IATF ITPU की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने काफ़ी अच्छे से सारे स्टेट्स को सजाया हुआ था। अगर आप जाओगे हर एक थीम के, जैसे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे नागालैंड हो, आप इनके जैसे ही एंटर करोगे इनके फेयर में, तो आपको एक अलग ही फील आएगी। आपको टूरिज्म देखने को मिलेगा, वहाँ के कपड़े देखने को मिलेंगे, बनारसी साड़ी तक मैंने ऐसी ऐसी साड़ियाँ तक देखी जो 50,000 1,00,000 तक की साड़ियाँ भी थी। तो इंफॉर्मेटिव भी है, एजुकेशनल भी है और एंजॉयबल मोमेंट भी है। तो आप इसको एंजॉय करोगे तो आपको मतलब ओवरऑल यू विल गेट इन्फॉर्मेशन वाइल एंजॉयिंग दिस फेयर। और अगर आप फोटोजेनिक हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्लेस है, जाओ अच्छे से फोटोज खिंचवाओ, क्योंकि काफी अच्छे से इस फेयर पे काफी ज्यादा खर्चा किया गया है। काफी ज्यादा थीम्स आपको देखने को मिलेंगी, हर एक जो स्टेट है उसके बाहर आपको एक थीम सी मिल जाएगी, उस स्टेट के बारे में जो उसके डोमिनेटिंग फैक्टर है, उसके जो प्लस पॉइंट है वो बाहर काफी अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है उसको। सो ओवरऑल इट्स अ वर्थ गोइंग प्लेस विद योर फैमिली। इवन अगर आप इंटरनेशनल वाले ग्राउंड फ्लोर पे जाओगे तो आपको हेल्थ चेकअप के भी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हमने अपना टेस्ट कराया, आप अपना BP चेक करा सकते हो, आप अपना शुगर चेक करा सकते हो, इवन एनीमिया तक। मेंटल हेल्थ के लिए वहां पे काउंसलिंग हो रही थी। तो इट वॉज ओवरऑल अ वेरी नाइस एनवायरमेंट। कुछ जगह आपको अंदर डांस देखने को मिल जाएंगे, लोग डांस कर रहे होंगे, कोई कॉन्टेस्ट चल रहे होंगे। तो ओवरऑल बहुत अलग तरीके की प्लेस है, बहुत अच्छी सी आपको वाइब आएगी। और बाकी मुझे जो प्लेस है वो स्पेशियस लगा, बट बहुत ज्यादा क्राउडेड था। मतलब अगर आप उस जगह पर जा रहे हो तो अपना कैश ले जाना ना भूलें, क्योंकि वहां पे पेटीएम या कार्ड्स जैसी सुविधा तो है, बट वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम नेटवर्क ही नहीं आते, तो आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। काफी मैं परेशान रहा इसको लेके। बाकी अगर फूड की मैं बात करूँ, फूड जो है वो आप अपना लेके जाओ तो ज्यादा बेटर है। फूड थोड़ा सा ओवर प्राइज्ड है, भीड़ आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, तो आप इधर उधर बैठने की जगह ढूंढोगे खाने के लिए, तो आप अपना खाना लेके जाओ। अगर आप खाना पानी अपना लेके जा रहे हो तो वो अलाउड है, अंदर आप ले जा सकते हो। बाकी फूड बहुत ज्यादा टेस्टी भी मिल सकता है, लाइक केरला का जो स्टेट है वहां पे आपको फिश मिल जाएगी, प्रॉन्स मिल जाएंगे, अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन है या आपको सी फूड खाने के शौकीन है तो आपको मिल जाएंगे। फूड स्टेट वाइज वहां पे सर्व हो रहा है, केरला का मिल जाएगा आपको, महाराष्ट्र का मिल जाएगा, यूपी का मिल जाएगा, पंजाब का मिल जाएगा, जिस भी स्टेट का आपको फूड चाहिए वो आपको सारा खाने को मिल जाएगा। तो ये फुल डे फैमिली प्लेस है, आपको वहां पे नॉलेज भी मिलेगी, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, बट लोग बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा एंड में हम भी घूम फिर के बहुत ज्यादा थक गए थे, क्योंकि यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो एक बात मत भूलना, अगर आप वीकेंड पे अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर लेना, वीकडे पर जाना। एक तो आपको टिकट सस्ता मिलेगा, क्योंकि टिकट जो है वो 80 रुपीज का है वीकडे पर, और वीकेंड में 150 रुपए का है जनरल पब्लिक के लिए। तो देख लेना आपको जैसे भी अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव प्लेस है, हमने तो बहुत कुछ जाके खरीद लिया। अगर आप शॉपिंग करने नहीं भी जा रहे तो आपको कुछ ऐसी यूनिक आइटम आपको देखने को मिलेंगे कि आपका मन करेगा आप उन्हें खरीद ले। इंटरनेशनल में जब आप जाओगे ग्राउंड फ्लोर पर तो आपको इंटरनेशनल कंट्रीज के काफी सारे लाइट्स देखने को मिल जाएंगे, डेकोरेटिव लाइट्स हैं वहां का, ईरान का बादाम खजूर ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब ड्राई फ्रूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और कुछ यूनिक आइटम्स आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पे, जैसे वहां के कपड़े, ड्राई फ्रूट्स, फुटवेयर, तो कुछ भी आपको मिल सकता है वहां पे। इंटरनेशनल मुझे थोड़ा सा हल्का लगा, क्योंकि इंडिया वाला काफी ज्यादा डाइवर्स था, डोमिनेटिंग था। तो मैं आपको कहूंगा मेन अगर आप घूमना चाहते हो तो आप इंडिया वाले सेक्शन में ही जाना, फर्स्ट फ्लोर पर, वो ज्यादा बेटर है। वहां पे काफी ज्यादा क्राउड था, इंटरनेशनल में मैंने देखा इतना ज्यादा क्राउड नहीं था। तो आप देख सके जनता कहां जा रही है। इवन आपको नहीं पता तो IITF के जो फेयर में, इवन अगर आपको पता हो तो वहां पर एक फेयर भी लगता है, वहां पे एक ओपन जो है ऑडिटोरियम है जहां पर लोग पहले से ही बैठ जाते हैं, 3-4 घंटे पहले ही आके बैठ जाते हैं, और वहां पे स्टेट वाइज डे डिसाइड होता है और वहां पे शोज होते हैं, जैसे कभी केरला का शो हो गया, कभी महाराष्ट्र का शो हो गया, कभी दिल्ली का। तो अगर आप वहां जा रहे हो तो आप अपना सीट पहले ही सिक्योर कर लेना, कोई टिकट नहीं है वहां के, जो पहले बैठ गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो आप आके वहां पे शो एंजॉय कर सकते हो। और वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट्स को आप थोड़ा सा प्रमोट करना है इसमें, एंड हेल्प देम टू रीच द ग्लोबल लेवल। एंड वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, वहां पर सबसे ज्यादा क्राउड होता है जब एग्जिट होता है, तो एग्जिट के टाइम पर वहां पे उन्होंने जो है IATF ने ही ऑर्गेनाइज कर रखे है या अरेंजमेंट कर रखा है ट्रैवलर्स का, जो आपको मेट्रो तक पहुंचा देंगे। हमें काफी ज्यादा दिक्कत हुई, हमने हाई प्राइस पे किया अपने घर तक पहुंचने के लिए, और काफी ज्यादा ट्रबल भी हुआ। तो अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है, देन यू कैन एक्सेस दीज ट्रैवलर्स। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू विजिट टूरिज्म ऑफ एवरी स्टेट ऑफ इंडिया एंड कलेक्ट सम ब्रोशर्स और पैम्फलेट्स। सो जाइए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, किसी के भी साथ जाइए और इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।